चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं तेजस्वी से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 53 है। तो सबसे पहले बेटा आपकी 53 रैंक के लिए ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा बेटा, जैसे आपकी जो मैं हर बच्चा अपनी सक्सेस जर्नी बताता है, आपने इस साल ड्रॉप लिया हुआ था और लखनऊ में घर रह के पढ़ाई की थी, तो आपकी जो सक्सेस जर्नी है, पहले तो निमसेट कब सोचा आपने, लास्ट ईयर अगर दिया था तो क्या एक्सपीरियंस था, फिर इस साल आपने किस ढंग से प्रिपरेशन करी, तो पूरी मैं चाहूंगा इंटायर सक्सेस जर्नी आप बताएं। ओके, तो लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था एंड उसमें मैंने खुद से ही पढ़ाई की थी, लाइक बुक्स से सारे चैप्टर सॉल्व किए थे, टेस्ट पेपर थोड़े बहुत, एक एमसी अरिहंत की शायद बुक्स आती है प्रीवियस पेपर्स की, तो मैंने हाँ वो सॉल्व की थी। बट अनएक्सपेक्टेडली कोविड से इफेक्ट हो गई थी मेरी फैमिली, तो उसकी वजह से मैं उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई। मेरी 840th रैंक आई थी, तो फिर कॉलेज भी मिल रहा था इंद्रप्रस्थ में, बट देन आई मैं उस टाइम जा नहीं सकती थी फैमिली कंडीशन की वजह से, एंड बिकॉज आधा दिमाग था कि एक बार दोबारा ट्राई कर लें डॉक्टरी के। तो फिर मैंने आपका देखा हुआ था एक्चुअली, आपका यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी चैनल फॉलो करती थी, तो मुझे काफी अच्छा लगता था आप जिस तरह से पढ़ाते थे एंड आपका कंटेंट, तो लाइक मैं एक बार ज्वाइन करूंगी कोचिंग। मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी जी बैच में, एंड तो मैं आपके लेक्चर्स फॉलो करती थी, एंड जो आप जैसे आप बताते थे कि रिविजन करना है या फिर जो टेस्ट होते रहते थे यानी डीपीटीज वगैरह सॉल्व करके आनी होती थी, तो मैं वो ट्राई करती थी सॉल्व करने का। आई थिंक सो जो लास्ट ईयर एंड इस ईयर में सबसे बड़ा डिफरेंस था मेरे लिए, आई थिंक सो जिसकी वजह से मैं ये रैंक अचीव कर पाई हूँ, वो ये था कि पहली चीज मैं कभी भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखती ही नहीं थी सॉल्व करते वक्त, मैं हमेशा क्वेश्चन देख के पूरा सॉल्व करके एंड में ऑप्शंस पर आती थी, एंड इससे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। काफी क्वेश्चन बहुत ईजी होते थे जो सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट हो सकते थे, एंड सेकेंडली फॉर सम रीजन जब कुछ अगर पेपर देते वक्त मेरे बीच में दो या तीन क्वेश्चन भी गलत हो गए या मैं अटक जाती थी, तो मैं बहुत पैनिक कर जाती थी एंड इसकी वजह से मेरा पूरा पेपर बर्बाद हो जाता था। तो मैंने ऐसे ध्यान देना शुरू किया कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे 5 सेकंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाऊंगी, वो चीज मैंने इस पेपर में की थी। तो मेरा ये पेपर 1.25 घंटे में ओवर हो गया था पूरा, एंड उसमें मैंने सिर्फ 18 क्वेश्चन मैथ्स ही किए थे, बिकॉज बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे 5 सेकंड में नहीं स्ट्राइक हो रहे थे, तो नेक्स्ट 45 मिनट्स में मैं वापस गई एंड उससे मैंने बाकी कंप्लीट किए, तो मेरे टोटल 39 अटेम्प्ट हुए थे मैथ्स में एंड एल आर में भी 39 हुए थे, एंड वो मैंने वो आखिरी के 45 मिनट्स में किए थे आराम से। तो नेट स्कोर क्या था आपका? सर 701। अच्छा आप ये बताओ मुझे कि आपने पूरे साल जो जैसे जब आपका ड्रॉप का डिसीजन था, जैसे लास्ट ईयर आईपीयू या कोई और कॉलेज मिलता, तो आपने जब ड्रॉप का डिसीजन लिया तो पूरे साल कोई प्रेशर हुआ आपके ऊपर कि ड्रॉप लिया है पता नहीं क्या होगा इस टाइप से कुछ? क्योंकि ड्रॉपर बच्चों को बहुत प्रेशर रहता है, इस बार भी इसलिए क्वेश्चन पूछा कि जो ड्रॉप लेना चाहते हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि अगर ढंग से ईमानदारी से मेहनत की जाए तो सब कुछ संभव। जैसे आपने अभी बोला कि पिछले साल ये अंतर था कि आप पूरे क्वेश्चन को करते थे फिर ऑप्शन देखते थे, जबकि हमने यहाँ पे कई टेक्निक सीखी कि कई क्वेश्चन बिना सॉल्व करे होते हैं, तो क्या होता है प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर पढ़ाई की जाए तो रिजल्ट अच्छा होता ही है। तो आपको आपका पूरे साल में कोई स्ट्रेस हुआ ड्रॉप को लेकर? हाँ एक्चुअली स्ट्रेस काफी हुआ था, बिकॉज लग रहा था कि क्या जो ड्रॉप लिया है क्या मैं उतना 100% दे पाऊंगी या नहीं, बिकॉज घर पे टाइम जाता था बाकी चीजों में भी गिवन द सिचुएशन, बट देन इट वाज लाइक कि जितना जितना भी टाइम बच रहा है क्या आप उसमें आप अपना 100% दे रहे हैं। जो जो लोग ड्रॉप भी करना चाहते हैं, लाइक ऑनेस्टली अगर वो खुद से आंसर कर पाए कि उस ड्रॉप ईयर में अगर वो बिना डिस्ट्रैक्शन के अपना 100% दे सकते हैं तो डेफिनेटली आप ड्रॉप करो, आपको एक अच्छा एनआईटी मिलेगा एंड वो बहुत ज्यादा, लाइक मैं प्लेसमेंट्स का देखती हूँ, तो एक अगर आप एक अच्छे एनआईटी से एमसी करें वर्सेस आप किसी और कॉलेज करें बहुत डिफरेंस होता है, तो आपको एक हायर प्लेटफॉर्म दे देगा आगे के लिए। तो काफी स्टार्टिंग में मुझे काफी प्रॉब्लम होती थी, बट देन 2022 लाइक जैन ऑनवर्ड्स मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, फैमिली में बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, बीच बीच में मेरे बहुत लोज भी आए थे तो वो मुझे वापस पुश करते थे कि मैं पढ़ाई करूँ। तो यस, एंड देन सोशल मीडिया को तो बाय बोल दिया था, सारे दोस्तों से बोल दिया था बात नहीं करनी है बाद में बात करेंगे, एंड अभी रिसेंटली मेरा एग्जाम ओवर हुआ तो मैं वापस से सबसे बात बात कर रही हूँ, तो लाइक फुल फोकस सिर्फ पढ़ाई पे था। मेरा एज सच कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था, मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ कि मैं दिन में 8 घंटे ही पढ़ाई कर पाऊंगी, बट अगर मैं कुछ पढ़ने बैठी हूँ 2 या 3 घंटा या 4 घंटा तो फुल फोकस होगा उस पर, एंड टॉपिक वाइज
जैसे आपने ऑर्डर बताया था कि पहले ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस खत्म करनी है एंड देन बाकी सब फिनिश करने है, तो वो फिनिश किए थे एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट था पेपर्स फिनिश करना एंड उसके एनालिसिस करना अच्छे से। तो एग्जाम देने के 2 हफ्ते पहले मैं ऐसे पेपर सॉल्व करती हूँ, उसमें मेरा स्कोर आता था 715 720 के अराउंड में, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ हो जाएगा पेपर अच्छे से। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपकी लास्ट ईयर मिस्टेक थी या वीकनेस थी, आपने उन पे ही सबसे पहले वर्क किया। जैसे 3 क्वेश्चन नहीं बने और स्ट्रेस आया, पर आपने इस बार डिसाइड किया 5 सेकंड में नहीं बना, लीव कर दिया, ऑप्शंस को देखा। यानी हमेशा कोई भी इंसान की सक्सेस में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कभी फेल हुआ है तो उस फेल्यूअर से उसने क्या लर्न किया। और मैं जो आपको सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आपने उससे वो सब लर्न कर लिया कि ये चीजें तो अब नहीं करनी है, अब क्या करना है वो पता है। और ये अगर हमें क्लियरिटी हो तो कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप सफल नहीं हो सको। तो आपने वो करके दिखा दिया, चलो बहुत ही खुशी की बात है। अब आप ऐसी NIT, आई थिंक आप NIT सूरतकल जाना चाहते हो और वही मिलेगा भी आपको, तो NIT सूरतकल में भी ऐसे ही बेस्ट परफॉर्म करिए और बहुत आगे बढ़िए और खुश रहिए। ओके, थैंक यू सर, आपकी आपकी टिप्स एंड आपने जितना भी कुछ सिखाया था वो जेन्युइनली वर्क किया उसमें, तो थैंक यू सो मच आपके ओपिनियन। थैंक यू बेटा, एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।